क्या दोस्तों आप फार्मा डिवीजन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है और आपके पास वो जानकारी नहीं है कि अपना ब्रांड कैसे बनाए बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, किस किस कागजात की जरूरत पड़ेगी, किस कंपनी से बनवाए, कितनी लागत आएगी, वह कौन सा प्रोडक्ट है जो कभी बंद नहीं होगा, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस जो 3 से 4 साल में कोरोना काल आया, इसमें जो सबसे ज़्यादा बिका, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट है दोस्तों गिलोय घन वटी। ये दोस्तों वटी में भी बिकता है, टैबलेट में भी बिकता है, सीरप में भी बिकता है, कॉम्बिनेशन के साथ बिकता है। ये एक प्रकार का बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिबूस्टर है। हर एक मेडिकल स्टोर से दोस्तों अगर हमने जो सर्वे शहर का देखा, छोटा भी मेडिकल स्टोर होगा, 2-3 डिब्बी डेली बिकती है, बड़े मेडिकल स्टोरों में बहुत बिकती है, तो ये कभी बंद नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों, इसकी एक्सपायरी 3 से 4 साल होती है, 2 साल होती है, हर एक गुरुद्वारा रूल्स बदलते रहते हैं। तो दोस्तों पहले तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती थी, 8 साल 10 साल होता है, लेकिन 2-3 साल से सरकार ने एक रूल्स लागू किया कि अब सारी दवाओं पे भी MRP पे एक्सपायरी सब कुछ इंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके आपके पास पैसे कम है, आप अपनी बड़ी की कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ जुनून होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको ऊपर ले जाने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है सेल्स की कला। तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके सेल्स की कला सीखिए, और जो भी मार्केट में प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट से रिलेटिव, क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, इस सारी बेसिक जानकारी लेकर के आप अपने कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको सीखते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आपको डॉक्टर लिखता है, या कोई बताता है, या कोई भी चीज़ सामान आप खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ब्रांड नेम होता है, या तो उसको आप पहली बार सुने होते हैं, या किसके द्वारा यूज किया होता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है और उसको खरीद कर आप खुद यूज करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्या आया, एक जो है ब्रांड नेम आया। तो क्या महत्वपूर्ण हो गया, एक ब्रांड नेम हो गया। एक चीज और उसको देखते हैं, जैसे भी प्रोडक्ट आप अपने हाथ में लेते हैं, उसमें देखते हैं किसकी पैकिंग क्या है, पैकिंग मटेरियल, इसका पैकिंग कितना अट्रैक्टिव है, इसका कलर कितना अट्रैक्टिव, ये भी आपको अगर पैकिंग और कलर आपको बहुत अच्छा लग गया, तो उससे भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं पे उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, उसके कलर अच्छे नहीं है, तो आपको यार इसका पैकिंग नहीं अच्छा है तो क्या काम करेगा। तो ये चीज़ क्या आ गया, ब्रांड नेम आया और वहाँ पे एक पैकिंग आपके सामने आए प्रोडक्ट यूज करने के पहले। और एक चीज़ उसमें देखते होंगे, आपका ध्यान जाता होगा कि उस पर एक लोगो बना होता है, तो लोगो पे भी आपका ध्यान जाता है ये देखने के लिए कि किस कंपनी का है। अगर वही प्रोडक्ट 2-3 बार रिपीट हो गया, तो एक ब्रांड नेम और लोगो, दो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे सामने आई, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट की पैकिंग एंड कलर, और तीसरा उसका लोगो। और एक चीज़ जो आप और देखते हैं, उसकी MRP लेने के बाद सबसे पहले आप देखते हैं कि इसकी MRP क्या है। तो MRP के लिए आप मार्केट का सर्वे करेंगे, देखेंगे गिलोय घन वटी 40 गोली के डिब्बे में और 100 गोली के डिब्बे में दोनों का क्या रेट है। तो आपने मार्केट का सर्वे किया, मार्केट के सर्वे करने के बाद आपके सामने आया होगा, जो हमने 2-3 कंपनियों को देखा, 40 गोली का किसी का 90 रुपये है, 40 गोली का किसी का 80 रुपये है, किसी का 70 रुपये है, 40 गोली का यहाँ तक कि मार्केट में 200 रुपये तक है। तो आप एक सर्वे करिए, और मल्टीनेशनल कंपनियों का जो रेट हो वही रेट आप 10 रुपये इधर उधर करके आप रख सकते हैं, रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। तो आपके सामने क्या आया, प्रोडक्ट की पैकिंग और कलर आया, नाम आया और एक लोगो आया। तो दोस्तों एक अच्छा सा आप नाम का चॉइस करेंगे, उस नाम का एक लोगो डिजाइन करवाएंगे, नाम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है, इसलिए जिससे कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपने नाम और लोगों का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया, और अब आपको क्या करना है, डिजाइन करवाना है अपने प्रोडक्ट की साइज, पैकिंग का,
कलर आप डिसाइड करिए। तो दोस्तों आपने जो मार्केट में सर्वे किया 4-5 कंपनियों का, उनकी पैकिंग डिजाइन कैसे है, उनका कलर कैसे है, आप उनसे अच्छा हट के इंटरनेशनल पैकिंग, इंटरनेशनल कलर आपको रखना है, यही आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों किसी भी डिजाइनर से आपने प्रोडक्ट की डिजाइन और प्रोडक्ट का कलर डिसाइड कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, उसकी MRP आपने डिसाइड कर ली, आपके प्रोडक्ट से रिलेटिव सारी चीज़ें आपको हो गए। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको एक एग्रीमेंट तैयार करना है, उस एग्रीमेंट में आप अपनी एक रिजोल्यूशन बनाएंगे, एक वकील के माध्यम से आप खुद लिख दीजिए कि हम जिस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट बनवाएंगे उस प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वो क्वालिटी वेस्ट का होगा, रॉ मटेरियल से कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% होगी, प्रोडक्ट जब हमारा बन के निकलेगा ये टैबलेट में इतना मिलीग्राम पाया जाता वो भी 100% बनने के बाद होने चाहिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट खुद चाहिए, ये सब आप एक अपना एग्रीमेंट बनाएंगे। वो आपको एग्रीमेंट कब काम आएगा, जब आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे ये आपका एग्रीमेंट काम आएगा, वहां पे FRA आप रखेंगे टर्म कंडीशन। तो ये दोस्तों आपका सब कुछ रेडी हो गया, अब आपको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे, लेकिन कागजात लेने के लिए एक स्थान की जरूरत होगी, एक कमरे की जरूरत होगी, आप इसको अपने घर से कर सकते हैं या किसी सिटी का चुनाव करके वहां कर सकते हैं। एक छोटा सा कमरा लीजिए, कमरा 120 स्क्वायर के नियर अबाउट होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। अब उसको एक ऑफिस का रूप देना है, ऑफिस का रूप अपने बजट के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। अब आपका एक ऑफिस रेडी हो गया, अब इसी ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत होगी, डिजिटल टूल्स में जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपको अपने लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे GST बिल निकलता है। GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस सारे डिजिटल टूल से रेडी हो गया है, आप इसी में कुछ कागजात अप्लाई करना है, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, GST नंबर आप खुद ले सकते हैं या जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से ले सकते हैं। आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है। अगर आपको इसको बड़े लेवल पे करना है तो बड़े लेवल पे करने के लिए आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर लेने के दो प्रॉफिट है, आपको जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे फिर लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो सकता है। अब आपको अगर लगता है कि हम इसको बड़े लेवल पे करना है और हमको कंपनी का MD या CEO कहलाना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास बजट नहीं है, सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों का फायदा लेने के लिए आपको MSME में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाने से सरकार की जो स्टार्टअप नीति चल रही है उसके अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा, वो भी कम ब्याज पे सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया फुल इंफॉर्मेशन, अब आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, जब भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना ये सारे कागजात बनवा लेना। ये हो गया दोस्तों, आपके सारे कागजात रेडी हो गए, आपका ऑफिस रेडी हो गया, आपका प्रोडक्ट पैकिंग MRP सब कुछ रेडी हो गया। अब हम चलते हैं गूगल पे, गूगल पे आप इंटर करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, सारी कंपनियों को डिटेल आपके देखे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे आ रहे होंगे, कंपनी का नाम लिखा होगा, उनके पास कौन से सर्टिफिकेशन है उसके डिटेल लिखी होंगे, जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन हो जिस कंपनी पे आपको क्लिक करना, किसी एक कंपनी पे क्लिक करके उसके अंदर साइट पे जाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक करके अंदर साइट गए, अब वहां पे आपको उसका पेज खुल गया, कंपनी का पेज खुल गया, वहां लिखा होगा अबाउट है, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस, आवर क्लाइंट, उनके कौन कौन से क्लाइंट है, उनके आवर प्रोडक्ट, वो कौन कौन से प्रोडक्ट, सब कुछ आपको। तो जिसके बारे में, अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, उस कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कैसी उसकी पैकिंग है, कैसे कलर है, वो जानकारी ले लीजिए। अगर उनके क्लाइंट के बारे में लेना है, किसकी कंपनी के प्रोडक्ट बनवाती है, तो उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम कॉन्टैक्ट अस पे, कंपनी का कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंपनी का मेल एड्रेस आ जाएगा, कंपनी के ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। आप चाहे तो यहीं घर बैठ कर सारी चीज़ें ले सकते हैं, प्रोडक्ट बनवा के मंगवा सकते हैं, लेकिन कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो,
कुछ ना हो और आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस हो, इसलिए आप यहाँ से फोन से कुछ नहीं करेंगे, उस कंपनी का ऑफिस पे एड्रेस पे जाएंगे, विजिट करेंगे। वहाँ विजिट करने के अंदर आपके अंदर एक अच्छा सा उत्साह होगा कि ये कंपनी इतनी बड़ी स्टेब्लिश हो गई, इन कंपनियों के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनते, सब कुछ आप आंखों देखी आपके सामने होगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने। तो कंपनी आपने जैसे विजिट किया, आप उनके ऑफिस में विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद आपको फिर कंपनी के एम्प्लॉय पूछेंगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। जो आपने कागजात बनवाए आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, थर्ड पार्टी अगर आपके पास लाइसेंस हो मांगा जाएगा, यही सब आपका मांगा जाएगा, प्लस मार्केटेड बाय जो आपने ऑफिस बनाया उसका एड्रेस मांगा जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जब प्रोवाइड करेंगे आपसे क्वांटिटी पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाना है। आप 60 गोली का टैबलेट लॉन्च करना चाहते हैं, 100 गोली का डिब्बी लॉन्च करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको लॉन्च करना है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनवाना, ज़्यादा क्वांटिटी बनवाने पे आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अभी आप नए हैं, ज़्यादा बनवा लेंगे आप किसी कारणवश नहीं बेच पाए तो आपका एक्सपायर हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए छोटी क्वांटिटी में बनवा के आपको मार्केटिंग की तकनीकी सीखना है, सेल्स की कला सीखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपका जब कुछ सब कुछ डन हो जाए, इसी तरह से 3-4 कंपनी में विजिट करिए जिसका सस्ता हो, जिनके पास पुराना बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कंपनी प्रोडक्ट बनाने का, जिनके पास सारे सर्टिफिकेशन मौजूद हो, उसी कंपनी से आप बनवाइए, भले 2% आपका महंगा पड़े। जब आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा उससे 20-25 दिन के बाद बन करके प्रोडक्ट आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आखमून के आपका प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस पे आ गया है, अब आपको इसको बेचना है। तो मार्केट में इसको बेचने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आप लॉग इन करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख करके आप बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। सेल्फ टीम में आपको सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, इम्प्लॉई नियुक्त करना पड़ेगा और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी देना पड़ेगा। इस ढंग से आप इसको बेच सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुद मैनेजर बन जाइए, खुद सेल्समैन बन जाइए, सब कुछ बन करके आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचिए। मार्केट में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हुए बेसिक नॉलेज लीजिए। जब आपके पास ये सारे बेसिक नॉलेज होंगे तो आपको उतने ही कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, उतना ही कंपनी को आगे ले जाने में, उतने ही आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये सब नॉलेज जब आपके पास हो जाएगा तो कभी भी आप अपने प्रोडक्ट में फेल नहीं होंगे। इस ढंग से 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट आप बढ़ाते जाइए। जब आपके पास 10-15-20 प्रोडक्ट हो जाए, जब आपको लगे कि हमको मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया है, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों आप अपनी छोटी सी पूंजी में अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करिए। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, अगर आप खुद सब कुछ कर रहे हैं, सेल्फ मैनेज सब कुछ आप करेंगे, तो यहाँ पे 70-80% आपके प्रॉफिट होंगे। अगर इसको आप एक सिस्टम के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पे 20-25% तब भी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे हम आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बेचने में लागत का 60% हमको मार्केट में खर्च करना पड़ता है प्रमोट करने के लिए, तो सारी चीजें आपकी खुद की बचत होगी। इस ढंग से दोस्तों एक प्रोडक्ट से अपने कंपनी की शुरुआत करिए, मार्केट की सेल्स की कला सीखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी जानकारी हो सकती है, तो कम से कम 8-10 लोगों के पास शेयर करके ये जानकारी पहुंचाइए। जितने लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी उतने लोग अपने कंपनी के अपने सपनों को पूरा करेंगे, उसमें हमारा आपका जो है बहुत दोस्तों एक महत्वपूर्ण रोल होगा। हमारा आपका एक परम कर्तव्य है, हम लोग ये जानकारी, अच्छी जानकारी जितना शेयर किया जाए उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में जाके एक ओके या थैंक्स बोल सकते हैं। या मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हमारा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों कभी भी कोई भी
जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए पूछिए, वो जानकारी हम आप तक तुरंत से तुरंत पहुंचाएंगे। जो भी सहायता होगी, जो भी जानकारी होगी तुरंत देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हमारे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है और हम हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो अपलोड भी करते हैं। सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। आपने जो अपना मूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।